नमस्कार, उत्तराखंड के खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश में भारी बारिश और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए हमेशा अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी घटना की स्थिति में जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य संचालित करवाने के भी आदेश दिए गए हैं। रेस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन प्रशासन को उनकी चिंता है और सरकार उनकी समस्याओं में हरदम उनके साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी पहुंचकर मांडो गांव में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान मांडो गांव में आपदा में अपने लोगों को खो चुके परिवार के सदस्यों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही गांव का वो वैज्ञानिक से सर्वे कराकर विस्थापन पर भी जल्द निर्णय लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मांग पर कहा कि मांडो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के डीएम को निर्देश दिए गए हैं। जल्द भू वैज्ञानिक सर्वे कराने के बाद विस्थापन की कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास भवन में श्रीनगर विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागावार किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। धन सिंह रावत ने उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि अच्छी प्रजाति के सेब के पौधे किसानों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे वह स्वरोजगार कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके। वहीं प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई। जिला प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि आगामी 2022 के लिए जनपद में 23 मंडलों के पदाधिकारियों को प्रस्ताव दिए गए हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के कार्यों का विवरण लिया गया है और सेवा ही संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं का क्या कार्य आज तक किए हैं उसकी भी मतगणना की गई है। आज अल्मोड़ा जनपद की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टि देखते हुए उस पर चर्चा हुई। राजनीतिक प्रस्ताव उस पर चर्चा हुई, उसको प्रस्ताव को पास किया गया और मंडलों के जितने भी हमारे 23 मंडल हैं उन मंडलों के भी कार्यक्रम तय किए गए। आज अल्मोड़ा जनपद की तो अल्मोड़ा में आज कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, ऐसे में 2022 के चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने भी आगामी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित भी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कार्यकर्ताओं के कार्यों का जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसको विस्तृत तौर पर किया जाए। आपको बता दें कि कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि आगामी 2022 के लिए जनपद के 23 मंडलों के पदाधिकारियों को प्रस्ताव फिलहाल दे दिए गए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के कार्यों का भी विवरण इस वक्त लिया जा रहा है और सेवा ही संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं ने आज तक जो भी कार्य किए गए हैं उसकी भी मतगणना की जा रही है। ऋषिकेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर सत्याग्रह आंदोलन किया। दरअसल पिछले दिनों विद्युत विभाग में कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला और कनक धने पर रायवाला थाना और ऋषिकेश कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया। अब कांग्रेस विद्युत विभाग की तरफ से हुए मुकदमे को राजनीति दबाव में का भी नाम दिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस से यह कार्यवाही स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के दबाव में कर रही है। गढ़मीरपुर में ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान पूरे शहर में पुलिस भी मुस्तैद रही और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने का की भी सलाह दी गई। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते शासन प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार सभी ईदगाह और मस्जिदों में मौलाओं ने नमाजियों को ईद उल अजहा की नमाज को अदा कराया। इस दौरान नमाज में गाइडलाइंस के अनुसार ही लोग उपस्थित रहे। लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ करते हुए वैश्विक महामारी को खत्म करने की दुआ की।
वहीं इमामों ने नमाज अदा करवाते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते ईद मनाते हुए सभी लोग खासतौर पर सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें और कुर्बानी के समय भीड़ न लगाएं। बद्रीधाम के नेता राहुल मेहता अब साइकिल पर माड़ा पास की यात्रा के लिए निकले हैं। माउंटेन ट्रैक के सीईओ मेहता ने हाल ही में बेहद दुर्गम गुप्तखाल ट्रैक पार किया था। राहुल मेहता ने इस बार दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क माड़ा पास को साइकिल से पार करने के लिए यात्रा शुरू कर दी है। 18,399 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस सड़क को बेहद दुर्गम माना जाता है। यहाँ हर समय मौसम खराब रहता है, रास्ते में बड़े बड़े हिमखंड चुनौतियां पेश करते हैं। बद्रीनाथ से माड़ा पास की दूरी करीब 52 किलोमीटर है। मेहता का कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वे इस यात्रा पर निकले हैं। हेलो दोस्तों, और आज मेरा एक साइकिल एक्सपीडिशन जा रहा है बद्रीनाथ से माड़ा पास के लिए, जो कि 18,399 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। और आज तक कोई भी सिविलियंस इस ऊंचाई पे साइकिल से नहीं गया है, तो एक कोशिश है साइकिल से माड़ा पास तक जाने की। और इसकी पूरी जो भी इनर लाइन परमिट होती है वो सब मैं बना चुका हूँ, तो आज से मेरी ये एक्सपीडिशन शुरू होता है, 3 दिन का मेरा नमस्कार, मैं प्राइम टीवी के लिए चमोली से सुरेंद्र धेत्रा आपको बताना चाहूँगा कि मन में अगर कुछ करने का जुनून और जज्बा हो तो दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसी धारणा को चरितार्थ करने के लिए बद्रीनाथ के राहुल मेहता निकले हैं देश की सबसे बड़ी ऊंचाई सड़क मार्ग से साइकिल यात्रा पर। और देखना अभी होगा कि राहुल मेहता अपने इस जुनून और इस जज्बे में कितना सफल हो पाते हैं, यह तो आने वाला है वक्त बताएगा। फिलहाल हम प्राइम टीवी की ओर से राहुल मेहता को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जो अपने इस मुकाम पर फतह हासिल कर पाए। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज द्वारा शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का भी आयोजन किया गया है जो 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक चलेगा। वहीं किसान कामगार मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने महाराज को पचका पहनाकर सम्मानित भी किया। कांवड़ को जो स्थगित किया गया है यात्रा को, तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, मैं उसका विरोध करता हूं। ठीक है, कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते चलते चुनाव हो सकते हैं, मंत्रालय खुले हैं, अभी उत्तराखंड के और नैनीताल मसूरी की हालत देखने लायक थी, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लग रहा। लेकिन कोई भी धार्मिक विषय आता है और वह भी हिंदू धार्मिक विषय, अभी केरल की सरकार ने बकरा ईद पर 3 दिन की छूट दे दी है, वहाँ कोरोना नहीं है जबकि वहाँ 20,000 के आसपास केस हैं। चमोली जिले के पिंडर घाटी में नारायण बगड़ विकास खंड मुख्यालय के दोनों बाजारों के बीचों बीच सड़क पर हो रहे भूस्खलन के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है। लोगों को हर समय डर बना रहता है भूस्खलन का। आपको बता दें कि नारायण बगड़ में दोनों बाजारों के बीचों बीच लगभग 200 मीटर के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है जो कि वर्षों से भूस्खलन की चपेट में है। पिछले महीने हुई भारी बारिश से यहां पर सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले यातायात जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर है। दोनों बाजारों के बीच में जो जगह है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और ये सबसे उपयुक्त ये रहेगा कि यहाँ पर अगर टैक्सी स्टैंड बन गया तो भविष्य के लिए ये जगह मजबूत हो जाएगी, और यहाँ अगर ऊपर जो गांव है उसके लिए भी सुरक्षा हो जाएगी। बीते 2 दिनों से लालकुआ में हो रही झमाझम बारिश ने जहाँ मौसम को सुहाना कर दिया है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए इस वक्त आफत बन गई है। गोला नदी के पार करीब आधा दर्जन से अधिक गांव हैं जिसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। बरसात के दिनों में जब गोला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो गांव वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं।
ऐसे में गांव वाले बरसात के दिनों में करीब 3 महीने का राशन इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन प्रशासन की तरफ से ना तो इसकी कोई सुविधा दी गई, वहीं अगर नदी का पुल बन जाए तो लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। मसूरी जिले के टिहरी रोड पर वूड स्टॉक स्कूल के पास देर रात पहाड़ी खिसकने से ऊपर बनी कॉटेज को गिरने का खतरा खड़ा हो गया है। इसके साथ ही सड़क पर बने बड़े बोल्डरों के आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लगातार हो रही आफत की बारिश से मसूरी शहर में भूस्खलन होने का सिलसिला लगातार जारी है। गलोनी पावर हाउस के निकट पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर आने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। मार्ग के चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया है, जिससे लगातार बड़े बड़े बोल्डरों का गिरना जारी है। नैनीताल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भीमताल ब्लॉक के ग्राम रानीबाग राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान कलावती थापा और वशिष्ठ अतिथि जिला पंचायत सदस्य संजय शाह भी शामिल रहे। कार्यक्रम प्रभारी श्रद्धा गुरुरानी तिवारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम सभा के अधिक से अधिक लोगों ने यहां पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जैसे अभी हमने आज ये जो कार्यक्रम देखा केंद्र सरकार द्वारा जो सूचना विभाग द्वारा किया गया है, जैसे हम जितने भी जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम देखा है, अगर हम जनप्रतिनिधि इसको अगर हम ज्यादा गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का 10 व्यक्ति तक भी अगर अपनी बात पहुँचा सके और उन 10 व्यक्तियों ने अगर आगे बात पहुँचा सके, इससे क्या है कि मैसेज आएगा और लोगों को जागरूकता आएगी। और इससे नैनीताल जिले के काला डूंगी मार्ग पर बजून के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां सैलानियों की कार पर ऊंचाई से बोल्डर गिरने से एक कार सवार की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में लोगों को कार से बाहर निकाला, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। मल्लीताल कोतवाल ने बताया कि एक कार पर बोल्डर गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एक अज्ञात महिला ने कर्णप्रयाग के पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि महिला काफी देर से पुल पर खड़ी हुई थी, अचानक से महिला पुल के किनारे गए गार्डर पर चढ़ गई और उसने छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने जैसे ही महिला को गार्डर पर चढ़ने की हरकत देखी तो बचाने के लिए वो दौड़े, लेकिन तब तक महिला ने नदी में छलांग लगा दी थी। फिलहाल महिला के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी फिलहाल पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पुलिस गोताखोरों की मदद से महिला की तलाश कर रही है। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के चलते पौड़ी जिले के किमसार कोडिया तराई क्षेत्र के नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। नदियों में बढ़ रहे जलस्तर की वजह से लोगों को नदी पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल से पुल का निर्माण कराए जाने की बात कही जा रही थी, जो सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित हो चुकी है। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं और इस समय यहां इनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं की जा रही है। उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गोहरी रेंज में भी हरेला पर्व के चलते हरेला सप्ताह मनाया जा रहा है। गोहरी रेंज स्थित वाटिका में एआरटीओ ऋषिकेश अरविंद पांडे, यमकेश्वर ब्लॉक प्रमुख आशा भट्ट और योग नगरी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि पौधारोपण किया। हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री सुभाष सैनी महिला के साथ हुई मारपीट को लेकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जिला महामंत्री के नेतृत्व में सरकार का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है और कार्यवाही नहीं कर रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में एक विधवा महिला के घर में घुसकर आरोपियों द्वारा उसकी पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से महिला का गर्भपात हो गया था। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। हिंदू जागरण मंच पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उनका कहना है जब तक पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिलेगा
तब तक हिंदू जागरण मंच इसी तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। ये ऋषिकेश पुलिस का पुतला जलाया हिंदू जागरण मंच जिला देहरादून ने। ऋषिकेश में एक विधवा महिला के साथ घर में घुस के मारपिटाई करी। शौकत अली पार्षद है वहाँ का, उसने और उसके चार पांच दबंगी गुंडे जो उसके साथ रहते हैं उन्होंने, और यहाँ तक मारा कि उसकी लड़की के पेट में जो बच्चा था वो भी मार दिया। उसके बाद उसे जो है पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं कराया। दबाव में आके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी उसकी आज तक नहीं हुई। वो पता नहीं विजय माल्या की तरह कहीं हेलीकॉप्टर में उड़ गया या धरती निकल गई उसे। कोरोना काल में सभी रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से ज्यादातर रेल को अभी तक वापस से नहीं चलाया गया है, जिसके कारण स्टेशन पर वेंडर का काम करने वाले लोगों के सामने रोजी और रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। जो कुछ गाड़ियां चली भी हैं, वह हफ्ते में 3 दिन लक्सर रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं। उनमें से भी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बाईपास से निकाल दी जाती हैं और वह स्टेशन तक नहीं पहुंचती, जिससे वेंडरों की कमाई का जरिया फिलहाल खत्म हो गया है। इस समस्या को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल के उत्तराखंड अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात की और वेंडरों की समस्या से अवगत कराया। यही सर, जैसे कि मान लो कोरोना काल में चलते हुए कुछ गाड़ियां कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई थी, और कोई गाड़ी कुछ ऐसी गाड़ियां जो हफ्ते में दो हफ्ते में तीसरे चौथे दिन आते आती है, जिसके कारण हमें रोजी रोटी का बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि गाड़ी का स्टॉक बहुत कम है, थोड़ा गाड़ी का स्टॉक बढ़ाया जाए, जिससे कि यात्रियों को असुविधा ना हो। यात्रियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लक्सर के वेंडरों को और लक्सर के लोगों को बड़ी भारी प्रॉब्लम हो रही है। हमने अभी अभी लक्सर के स्टेशन मास्टर से बात की है, लक्सर के स्टेशन अधीक्षक से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि आप अपना जो ज्ञापन पत्र है वो प्रेषित करें, और ये सब बड़े स्तर का मामला है, और जैसा भी ऊपर से रेल मंत्रालय का रेलवे बोर्ड का आदेश होगा उसके आदेश का पालन हम लोग करेंगे। रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर के सड़गु सारी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क कुछ ही समय में उखड़ने लगी है। इस सड़क की लंबाई करीब 34 किलोमीटर है, लेकिन स्थानीय प्रशासन टूटती सड़क को लेकर कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई भी कार्यवाही अब तक जिम्मेदारों पर नहीं की गई है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।